बस 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 अडाड़ी दीदू। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ओला S1 Pro और रिवोल्ट RV 400। दोनों ही अपने सेगमेंट में किंग माने जाते हैं और दोनों की सेल्स बाकी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे जो रिवोल्ट में और ओला में अलग अलग है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे तो दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बाइक है और ये स्कूटर है पूरा। हम आज ईवी की नज़र से देखेंगे अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। तो पहली बात आती है प्राइस की, जो कि ओला की प्राइस रिवोल्ट के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। रिवोल्ट की प्राइस है अराउंड 130,000 के आसपास और इसकी प्राइस रहेगी अराउंड 150,000 के आसपास, जो कि 20,000 से 30,000 का फ़र्क रहेगा दोनों की प्राइस में। जैसे ही प्राइस में फ़र्क है वैसे ही रेंज में भी फ़र्क आपको मिलेगा। ओला में आपको रिवोल्ट के मुकाबले ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। इसमें करीब आपको कंपनी क्लेम करती है 150 किलोमीटर का रेंज, मगर आपको मिलेगा 100 से 120 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। और ओला में आपको मिल जाएगा 120 से 130 किलोमीटर का रेंज अगर आप नॉर्मल में चलाओगे तो। इको में चलाओगे तो आपको आराम से 150 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाएगा। लुक्स की बात करें तो ये पूरा सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा स्पोर्टी पार्ट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा सिंपल रखने की ट्राई की है कंपनी वालों ने। ये पूरा एक ही पैनल है यहाँ से यहाँ तक और सब कुछ इसका सिंपल है। और रिवोल्ट की बात करें तो इसमें सब कुछ स्टाइलिश दिया हुआ है। लुक्स के मामले में ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी स्पोर्ट बाइक की तरह इसका लुक आ रहा है। और बाकी बात करें तो इसमें भी सब कुछ आपको LED मिल जाएगा और इसमें भी सब कुछ आपको LED मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और दोनों में काफ़ी बेहतरीन लाइट की परफॉर्मेंस है, लाइट भी दोनों में काफ़ी अच्छा काम करती है नाइट में। रिवोल्ट में यहाँ कहीं पर भी की लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मगर इसके साथ आपको चाबी मिल जाएगी। मगर ओला में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, इसमें आपको चाबी नहीं मिलेगी। या तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा या फिर आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें भी दोनों में आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और रिवोल्ट में भी आपको आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। और दोनों बेल्ट ड्राइव है। रिवोल्ट के टायर थोड़े बड़े चौड़े और ज़्यादा ग्रिप वाले हैं ओला के मुकाबले, जो कि ऑब्वियसली वो बाइक है और ये स्कूटर है तो इतना फ़र्क तो रहेगा ही। रिवोल्ट में आपको टॉप स्पीड मिलेगी 85 किलोमीटर के आसपास और वहीं ओला में आपको मिलेगी 115 किलोमीटर के आसपास, जिसमें ओला रिवोल्ट से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और पिकअप और पावर के मामले में भी ओला रिवोल्ट से आगे है। और अब बात करते हैं बूट स्पेस की, जो कि रिवोल्ट में आपको कोई भी सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी, केवल यहाँ पर इसके नीचे आप थोड़ा सा सामान रख सकते हो। और वहीं ओला में आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हो। और दोनों में डिजिटल ही इंफोटेनमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, मगर ओला का टच स्क्रीन वाला है और रिवोल्ट में टच स्क्रीन नहीं है। दोनों की ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है और राइड क्वालिटी भी दोनों की काफ़ी बढ़िया है, मगर आप हाईवे पर चलाने वाले हो या फिर लॉन्ग राइड पर जाने वाले हो तो आपके लिए रिवोल्ट ज़्यादा अच्छी रहेगी ओला के मुकाबले। और आप अपने पूरे फैमिली को ध्यान में रखकर ले रहे हो तो लेडीज़ भी ओला को चला सकती है। ये बाइक बड़े और बुज़ुर्गों को शायद ना पसंद आए लुक्स के मामले में और चलाने के मामले में, मगर आजकल के यूथ को ये काफ़ी पसंद आ सकता है। और ओला का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो सबको पसंद आ सकती है और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और रिवोल्ट की राइड हाइट थोड़ी ऊंची है और ओला की भी ऐसा तो ऊंची है, मगर रिवोल्ट की ओला के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है रिवोल्ट के मामले में। रिवोल्ट और ओला दोनों में आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप दोनों का बैटरी स्टेटस जान सकते हो और कौन से मोड में कितनी चलेगी वो भी जान सकते हो। और रिवोल्ट में अभी फीचर है जियो फेंस का, मतलब कि आप उसको लॉक कर सकते हो कि वो कितने एरिया में चल सकती है, क्या कुछ किसी को दिया हो तो आप सब कुछ देख सकते हो कहाँ पर है बाइक क्या है। और ओला में अभी यह फीचर अवेलेबल नहीं है, मगर अगले अपडेट में दिवाली को यह फीचर आपको मिल जाएगा। और ओला में काफ़ी नए नए अपडेट आते रहते हैं और रिवोल्ट में ऐसा कुछ अभी तो देखने को नहीं मिला, शायद से फ्यूचर में मिल जाए। रिवोल्ट के मुकाबले अभी ओला में कुछ ज़्यादा ही अपडेट आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी दिवाली को इसमें MOVOS 3 आ जाएगा, जिसमें आपको कई नए नए फीचर्स मिल जाएंगे।
और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे पर्सनली ओला के मुकाबले रिवोल्ट की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ओला में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर इसके सारे पार्ट सीधे ही गिरते ही ये सारे पार्ट टूट सकते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। और रिवोल्ट में ऐसा कुछ सीन नहीं है अभी, इसका फ्रेम भी काफ़ी बढ़िया से मजबूत है और फ्रेम तो इसका भी काफ़ी बढ़िया है, मगर इसके जो पार्ट है वो सारे गड्ढों में या ख़राब रास्तों पर आप लंबे समय तक चलाओगे तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। रिवोल्ट में आज तक किसी की कंप्लेन नहीं है उसके बारे में। और सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों में सर्विस का तो कुछ है नहीं, मगर ओला में एक बार मैंने VCU चेंज किया था और एक बार पीछे की टेल लाइट चेंज की है और 2 से 2.5 महीने का टाइम हुआ है मैंने लिया उसे और अब तक तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है और सर्विस एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी बढ़िया था और सारे पार्ट मेरे अंडर वारंटी चेंज हो गए थे, मैंने एक भी रुपया आज तक नहीं लगाया। और रिवोल्ट की बात करें तो इसे भी 3 से 3.5 महीने का टाइम हुआ है लिए हुए और इसमें एक बार चार्जर ख़राब हो गया था जो कि 2 महीने का टाइम लगा। वो टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो मार्केट में नया चार्जर आने वाला था नए बाइकों में वहीं हमको चाहिए था इसलिए, बाकी जो पुराना हमारे पास था वो चार्जर तो अवेलेबल था मगर वो हमने नहीं लिया। हमने 2 महीने वेट किया और नया चार्जर जो आया वहीं लिया, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नया अपग्रेड के साथ नया चार्जर मिल गया। और तब तक 2 महीने तक हमारे पास एक फ्रेंड की बाइक थी, उसका चार्जर से हमने काम चला लिया और सपोर्ट के मामले में भी रिवोल्ट के सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा, उसके सर्विस पर्सन भी आए थे। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप दोनों में कस्टमर केयर पर कंप्लेन कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।